हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं HTML5 को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म वैलिडेशन। इसमें हम फॉर्म को वैलिडेट करना सीखेंगे। फॉर्म वैलिडेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम फॉर्म क्रिएट किए हैं वो फॉर्म खाली ना रह जाए या फिर कुछ गलत एंट्री ना हो। यानी कि हम एक फॉर्म भरने से पहले एक चेकअप करना चाहेंगे कि जो हमारा फॉर्म फिलअप हुआ है क्या वो फॉर्म सबमिट होने लायक है या नहीं है। इन्हीं सब विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमने फॉर्म के ऊपर बहुत सारे क्लास अटेंड किए भी हुए हैं, जिसमें हमने फॉर्म क्रिएशन से लेकर के फॉर्म को डेकोरेट करने तक का हमने सफर तय किया है। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, आज हम फॉर्म को वैलिडेट करना सीखेंगे, फॉर्म के ऊपर टर्म एंड कंडीशन लगाना सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म को कैसे वैलिडेट करेंगे, यानी वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, मैं उसको पहले आपको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिख रहा है फॉर्म वैलिडेशन, इट इज स्पेसिफाई द फॉर्म इज रेडी फॉर सबमिटेड। फॉर्म वैलिडेशन ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा फॉर्म है क्या वो रेडी है सबमिट होने लायक। सपोज अभी ये हमारा एक फॉर्म है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिजाइन किया था कुछ ऐसा ही, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन एंड क्लियर बटन एक हमने बनाया था। ओके, अब मैं बिना आईडी पासवर्ड दिए लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ओके, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे इनपुट फील्ड में कोई डेटा इनपुट हुआ भी है या नहीं हुआ है। अभी हम चूंकि HTML के थ्रू वैलिडेशन करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा डेटा फिल है या नहीं फिल है। लेकिन क्या फिल है, कैसे फिल है, कितना फिल है, ये सब कुछ अगर हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम जावास्क्रिप्ट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म वैलिडेशन करना सीखेंगे, क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बहुत सारे सर्वर के टाइम को बचा सकता है। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा सा समझें। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा हो गया क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, ये मेरा एक अपना पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है, ये अपना पर्सनल यूजर के पास है, एंड यूजर के पास है। ओके, इन्होंने कुछ फॉर्म फिलअप किया, सपोज जॉब के लिए इन्होंने एक फॉर्म ओपन किया है और उनको फिल किया। फिल करने के बाद फाइनली इन्होंने सबमिट किया। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो फॉर्म का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर होगा। जिस भी कंपनी का डेटा होगा उसके सर्वर के पास जाएगा और वहां पे ये जाकर स्टोर होगा। लेकिन स्टोर होने से पहले वहाँ पे होता है चेकिंग, क्या ये फॉर्म जो है ये वैलिड है, कहीं किसी कैंडिडेट ने कोई फील्ड खाली तो नहीं छोड़ दिया। ये सारा चेकिंग वगैरह होता है, वो उसके बाद ये फॉर्म स्टोर होता है। अगर मान लीजिए कि कोई एरर मिल गया हमारे फॉर्म में, तो ये क्या करेगा कि एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया है इसमें यहाँ पर ये त्रुटि है, ये अभी सबमिट होने लायक नहीं है, प्लीज ट्राई करें, या फिर व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताएगा और सॉल्व करने के लिए बताएगा। ओके, फिर क्या होगा कि यहाँ पर करेक्शन होगा। करेक्शन होने के बाद ये फिर रिक्वेस्ट जाएगा कि अब मेरे फॉर्म को सबमिट कर लो। तो अब यहाँ पे फिर से वेरीफाई होगा, अगर ये सब कुछ सही रहा तो ये फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा या फिर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग करने का जो टाइम लग रहा है, इसमें जो भी टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों सिस्टम इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो क्लाइंट हो ही रहा है, साथ में सर्वर का भी टाइम लॉस कर रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग करें कि ये जो वेरिफिकेशन वाला काम है वो हमारा क्लाइंट साइड पे ही हो जाए। तो इसी के लिहाज से जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ और जितने भी वैलिडेशन वाला काम होता है वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। फिलहाल हम यहाँ पे छोटा सा वैलिडेशन करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, बस यहाँ पे मुझे ये बताना था, ठीक है। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो हमारा फॉर्म है, ये हमने फॉर्म तो डिजाइन कर लिया, हमने सबमिट बटन भी यहाँ पे बना लिया, लेकिन जैसे ही हम इस लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन से पेज पे जाए, किस सर्वर से हमारा कनेक्ट हो, उस फाइल का लोकेशन कहाँ है जहाँ पे ये हमारा डेटा स्टोर होने वाला है, यानी कि उस फाइल का हमें लोकेशन क्या है और हम इसको कैसे दे सकते हैं जहाँ पे हमारा ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो। उसके लिए एक एट्रीब्यूट है जो कि फॉर्म टैग के अंदर है और मैं उसको अभी यहाँ पे दिखाऊं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट है जो कि फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा।
ठीक है, when a form is submitted, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे हमारे फॉर्म का जो डेटा है ये कहाँ पे सेंड हो जाए ये कौन डिसाइड करता है, तो ये एक्शन एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। और ये एक्शन जो है किसका एट्रीब्यूट है, तो फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप सिंटेक्स देखेंगे तो एक्शन एट्रीब्यूट के तौर पर यूज करेंगे, और यहाँ पे इसके वैल्यू के तौर पर हमें उस फाइल का नाम देना होगा जिस फाइल पर हम अपने डेटा को करना चाहते हैं सेंड। फिलहाल तो हमने डेटाबेस बनाया नहीं है, लेकिन हम एक छोटा सा HTML फाइल बनाकर इस पर कर लेंगे प्रैक्टिकल। बात समझ में आ जाएगी जब आप फाइनली जब आप रियल लाइफ काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपको उस फाइल का लोकेशन देना होगा जहां पे आप इस अपने फॉर्म को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और समस्या उत्पन्न होता है कि जो हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं डेटा हमारा क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर तक मूव कर रहा है, तो ये किस फॉर्म में मूव कर रहा है, मतलब कि जो हमने पासवर्ड दिया है एज इट इज वही पासवर्ड ट्रैवल कर रहा है, या फिर उसमें कुछ लॉजिक लगा के इनक्रिप्ट कर दिया गया है यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि फॉर्म टैग का ही है, उस एट्रीब्यूट का नाम है मैथड। मैथड यहाँ पे ये कह रहा है स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटिंग इट टू द सर्वर। दैट मीन्स कि जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा सर्वर तक पहुंचे लेकिन ये इनकोडेड फॉर्म में पहुंचे, तो ये मैथड एट्रीब्यूट हमारा डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए अगर हमने इनकोडेड फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो जो हम मैथड यूज करेंगे वो मैथड हमारा क्या होगा, पोस्ट मैथड होगा, ओके। एक और मैथड होता है जो होता है गेट, बाय डिफ़ॉल्ट वही गेट होता है लेकिन हम उस मेथड को रिप्लेस कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं यहाँ पे हम पोस्ट से, ठीक है। पोस्ट अगर मेथड यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो भी हम सबमिट करेंगे हमारा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इनक्रिप्टेड का मतलब अगर मैंने मैंगो लिखा है तो मैंगो को कर देगा टैंगो, अगर नेटवर्क में कोई उस डेटा को एक्सेस करेगा तो उसको टैंगो मिलेगा। अब टैंगो को वो तोड़े मरोड़े तब जाके ना उसको रियल डेटा मिल सकता है, उसका लॉजिक पता होगा तभी वो उसको ब्रेक कर सकता है ना। तो इनक्रिप्टेड का मतलब हुआ कि जो भी हमारा मेन डेटा है उस मेन डेटा को कुछ दूसरे वर्ड में कुछ उसमें अल्फाबेट अलग करके ट्रांसफर करता है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और प्रैक्टिकल में मैं उसी फॉर्म को ऑन कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। हम यहाँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं जो कि राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में उसका आउटपुट आ रहा है। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था जिसमें हमने लीजेंड टैग फील्ड सेट टैग के मदद से हमने बॉर्डर और यहाँ पे हमने एडमिन सेट किया था और हमने यूजर नेम पासवर्ड लगाया था। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हो रहा है टेबल टैग के द्वारा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इस पे हमें वैलिडेशन लगाना। जैसे हमने यूजर नेम लिख लिया, सपोज हमने एडमिन ही लिख लिया, और यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये लॉगिन हो रहा है, सब कुछ हमारा रिफ्रेश हो गया, फिर से हमारा पेज रिलोड हो गया लॉगिन होने के बाद। लेकिन ये गलत हो रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड तो सेट किया ही नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक इसमें कोई डेटा फिल ना हो तब तक ये लॉगिन ना हो, हमारा एक्शन हमारा ये जो सबमिट बटन है लॉगिन बटन है ये काम ना करे। एक्चुअली ये हमारा सबमिट बटन ही है, यहाँ पे आप देखेंगे कोड के तरफ तो ये सबमिट बटन ही है, लेकिन हमने इसमें वैल्यू लॉगिन पास किया है इसलिए बटन के ऊपर हमारा लॉगिन दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें वैलिडेट करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे हम यहाँ पे गए यूजर नेम, और यूजर नेम का जो हमारा इनपुट टैग है उसके अंदर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, और हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज़ किया, और रिक्वायर्ड की कोई वैल्यू नहीं होता, बस हमने सिंपल इतना करके सेव करके कि अब हम करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश। और देखिए जैसे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमसे कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जब तक हम इस फील्ड को फिल नहीं करते तब तक हम लॉगिन नहीं कर सकते। सपोज हमने यहाँ पर फिर से एडमिन लिखा और फिर से लॉगिन किया तो ये क्या फिर से सबमिट हो गया, बिकॉज कि हमने पासवर्ड के लिए कोई वैलिडेशन नहीं लगा। अब हम क्या करते हैं, सेम इसे रिक्वायर्ड को कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम पासवर्ड वाले फील्ड में भी आकर पेस्ट कर देते हैं इनपुट टैग में अंदर, ओके। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ वैल्यू पास करना तो रिक्वायर्ड ही पास कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको सेव किया और फिर से यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो अभी मैं लॉगिन करूँ तो यहाँ पे फिल करने के लिए दे रहा है, और मैं यहाँ पे एडमिन लिख दिया और फिर लॉगिन कर रहे हैं तो फिर से बता रहा है कि इसको भी आप फिल करो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ओके। और पासवर्ड लिखने के बाद जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो ये अब हमारा लॉगिन हो रहा है, लेकिन लॉगिन हुआ लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि क्या वाकई ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन अभी हमने बताया कि जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इसका डाटा किसी न किसी सर्वर पे जाता है, फिलहाल ये इसी पेज का इसी पे रख रहा है क्योंकि हमने इसका कोई एक्शन फाइल हमने दिया नहीं है। एक्शन कैसे दिया जाता है तो आइए हम उसको समझते हैं। तो हम चलते हैं फॉर्म टैग के अंदर, और फॉर्म टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे एक्शन,
ओके हमने यहाँ से एक्शन एट्रीब्यूट यूज कर लिया और यहाँ पे हमें उस फाइल का नाम देना होगा जहाँ पे हम अपने डेटा को करने वाले हैं सेंड, बिकॉज कि अभी हम कोई डेटाबेस बनाया नहीं है, हमारा कोई बैकएंड है नहीं। फिलहाल हम समझने के लिए हम एक HTML फाइल का नाम दे देते हैं। एक हमने बना रखा है welcome.html, इस फाइल का हम नाम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया welcome.html, ओके। और ये फाइल हमारा लॉगिन होगा, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारा ओपन होना चाहिए। तो उस फाइल में क्या है, तो फिलहाल तो ब्लैंक है, मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम और फिर हमने एक मैसेज दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया और H1 लिखने के बाद मैंने H1 को किया क्लोज और मैं बीच में कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिख लिया लॉग इन सक्सेसफुल। ये हमें एक छोटा सा मैसेज दिखाई देगा H1 के टैग के अंतर्गत, ओके। और मैं इसको एक सेंटर लोकेशन पे दिखाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे अलाइन सेट कर लेता हूँ सेंटर, ओके। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र को। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एडमिन दिया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया। अगर हम अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वैलिडेशन काम करेगा। और जैसे हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है, एक हमारा लॉगिन पेज बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद अब आप किसी भी वेबसाइट का होम पेज दिखा सकते हैं या फिर जो भी आप अपने लॉजिक से बना रहे होंगे वेबसाइट या प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करें, लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और फ्री एजुकेशन का एक माहौल बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।